नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं, जो 12 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही है। जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, सेंट ऑफ गुरमीत राम रहीम सिंह जी के लिए। संतोष जी, द फैक्ट टाइम में आपका 12 सालों से आ रही हैं आप डेरा सच्चा सौदा में। कितना विश्वास करते हैं गुरु जी को? पूरा है जी। क्यों विश्वास? 100% है जी। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? जो बहुत आया जी, सारा परिवार नामदारी हो गया जी। उसका तो बयान नहीं कर सकते जी, हम जितना करो वो एक कम है जी। उसने तो इतने इतने बहुत कुछ हो है, और उसको तो बहुत ज़रूरत है जी। समाज बहुत सुधारा है उसने। जो दूसरी तरफ उनके बारे में मीडिया में खबरें दिखाई जा रही है, हाँ दिखाई है, क्या कह रहे, क्या कहना चाहते हैं उन खबरों के बारे में? ये तो सब झूठ हैं जी, हम विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? हम तो साथ हैं पिताजी, आ गए, सारा देख रहे हैं, सारा हांड फिर रहे हैं, सारा देखा हमने, कोई वो नहीं पिताजी। हम जो भी सारे झूठ है, सारे आरोप झूठे हैं जो लगाए गए हैं। सच क्या है, उनका स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा है जी, ये तो कहने ही सुनने तो परे बात है। हमारा विश्वास है पूरा फल जी, सारा परिवार रंगिया गया जी। ये वैसे हमने विश्वास के भी देखे पिताजी, हमें अपने दर्शन भी दिए हैं पिताजी ने। हाँ, तो जैसे माँ हमारी बीमारी नहीं आ रही थी, ये इसकी वजह से कोई नारे 15 दिन हो गए थे हमने बीमार हुए ने, दोनों मियाँ बीबिया ने। अरे तो दर्शन दिए पिताजी ने, घबराओ मत बेटे, सिमरन पे दाब लगाओ। और डॉक्टरों ने बोल दिया था कोरोना है, तो हमने सिमरन पे दाब लगाई है। आज जो पिताजी के वचन है, वचन माने हमने, वचन मान कह रहे बाबा आज स्वस्थ डेरे में बैठे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता। समाज के लिए गुरुजी ने क्या योगदान दिया? समाज के लिए बहुत खूनदान, कितना है पौधारोपण और जी बहुत ये 145-147 वो करे हैं मानवता के भलाई के कार्य पिताजी ने। क्या आज उनकी समाज को जरूरत है? जरूरत फुल है जी। क्या अपील करोगे सरकार से? सरकार से ये अपील है जी, उनसे ये सारे झूठे आरोप लगा रखे हैं पिताजी यहाँ पे, तो जल्दी से जल्दी उसको करें भरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक बता रही है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जल्द से जल्द संत जी समाज में वापस आने चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत